गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, गुड आफ्टरनून हो गया है. फाइनली वी हैव स्टार्टेड द व्लॉग. सबसे पहले तो हैप्पी एनिवर्सरी. हैप्पी एनिवर्सरी. आज है 11 नवंबर और कमू और मेरी है छठी शादी की सालगिरह. छठी शादी की सालगिरह नहीं, छठी का दूध याद दिला दिया है एक दूसरे को. ये कहना चाह रही थी तुम, शादी की छठी सालगिरह है. मैंने बोला छठी शादी की सालगिरह है. तो हम लोग आ गए हैं इगतपुरी नाम की जगह है, वहां पे मैं, कम्मू और एटम और मिष्टी हैं दोनों. अभी उनको मैं नहीं ले रही हूँ व्लॉग में, बिकॉज उन दोनों की हालत खस्ता है. ट्रैवल करके 5 घंटे उन्होंने हमारे साथ ट्रैवल किया है, इसलिए दे आर लाइक दैट्स व्हाट गोइंग ऑन. और मिष्टी को हमने एक चेयर से थोड़ा सा बांधा है और वो चेयर को लेके ही भाग रही है. अभी पहुंचे हैं यहाँ पे. आपको पहले रूम का थोड़ा सा टूर दे देती हूँ कि रूम कैसा दिखता है हमारा. ये बेसिकली टेंट्स वाला सेटअप है यहाँ पे. और आज इस रिजॉर्ट में और कोई नहीं है, बिकॉज 11 नवंबर है, कल 12 नवंबर है, तो कल है दिवाली. एंड दिवाली पे नोबडी रियली ट्रैवल्स टू सच प्लेसेस ना, सब लोग अपने घर वर पे जाते हैं. तो रिजॉर्ट पूरा एम्प्टी है आज भी. और क्या ये तो मैंने बताया नहीं कि ये ट्रिप कैसे प्लान हुआ है. ये ट्रिप कम्मू ने प्लान किया, मुझे कुछ आइडिया नहीं था. कम्मू ने मुझे कल रात को बताया कि हम कल कहीं जा रहे हैं, और फिर भागा दौड़ी में सारी पैकिंग की गई है. बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी पे कोई नहीं है, तो हम चारों बड़े मजे करने वाले हैं. गुड चॉइस जोजो, राइट? Yes, नहीं नहीं, really good choice, lovely, I loved it, I loved it. Show them इतनी खुली है, हाँ. Show them the infinity, the pools. हाँ हाँ. Then tomorrow Roberto Carlos might come to. Roberto Carlos आ गया वापस, guys. बहुत दिनों बाद. नहीं, Roberto Carlos तो यही था. Vlog नहीं आ रहे थे. Right. ये रहा हमारा tent और ये रहे Atom और Mishti. पत्तू आ जाओ इधर से, इधर से, इधर से. ओ लल्लू, इधर इधर, गुड बॉय. ये वाली जो जगह है, यहाँ पे जब बच्चे खेलेंगे ना, तो मेरा खून तो ऐसे डबल हो जाएगा. मतलब मिश्ता पापा कहाँ गए हम, कहाँ गए मिश्ता, कहाँ गए हम. कमू इन्हें खोल दे अब. अच्छा, कमू की ऑलरेडी तैयारी हो गई है पानी के अंदर जाने की. चेक कर लो कुछ मेंढक वेंढक ना हो अंदर. हेलो गाइस, सत श्री अकाल जी. पानी चेक किया तुमने? पता चले वो लोनावला वाले ट्रिप की तरह पैर रखो और वापस आ जाओ. नहीं नहीं, ये भी ठंडा है लेकिन बहुत मजा आने वाला है. चलो इसलिए हम जा रहे हैं पानी में डुबकी लगाने के लिए. इन्फिनिटी पूल यही होता है क्या? हाँ यही है इन्फिनिटी. चलना नहीं है इसके अंदर, तैरना है. अरे साला, मैं इधर तक ही पहुंच गया. खाना तो बहुत ही अमेजिंग है यार. खुशबू से ही मुझे पता चल गया कि क्या बढ़िया चिकन है. ग्रेवी क्या मस्त है. ओके गाइस, लंच हो गया. अब हम थोड़ा सा थक गए हैं. वही जो हमारा यूजुअल रूटीन होता है जब हम हॉलीडे पे जाते हैं, हम पहुंचते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी टाइम होता है वो करते हैं, और उसके बाद आराम करते हैं. तो हम थोड़े टाइम आराम करेंगे, थके हुए हैं विद ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग. और मिष्टी और एटम भी थोड़े एंग्शियस हो रखे हैं, उनको भी आराम से कम्फर्ट देंगे. और अभी धूप भी बहुत हो रखी है, 2:30 बज रखे हैं दोपहर के. क्या टाइम होगा? फोन वोन लेके हम बैठे नहीं है, मस्त बातें बातें कर रहे हैं. पेट वेट भर गया, अब हम बस थोड़ा सा आराम करेंगे. बट 1 सेकेंड, मेरी गमीज मैं लेके आई हूँ हर बार की तरह, साथ में लेके जाती हूँ मैं. सो ये है एच के वाइटल्स की हेयर स्ट्रेंथ गमीज. लंच हो गया मेरा, तो एज ऑलवेज मैं एक ये गमी खाऊंगी. ये हेयर गमीज है, हेयर के लिए बहुत अमेजिंग होती है, इसके अंदर बायोटीन वगैरह है. तो ये जो मेरे लंबे सुनहरे बाल है उसका राज यही है. ये रही वो गमी एच के वाइटल्स. ये कई बार पता है मुझे क्या लगता है क्या करता है, ये जानबूझ के भौंकना शुरू करता है कि उसका ध्यान जाएगा भौंकने में. हाँ. फिर ये उसकी जगह ले लेगा. यस, अबे यार सोने दो यार थोड़ी देर. मिष्टी बस बाप रे, हर चीज जाननी है इसे. कहाँ गए मट्टू, अटूम कहाँ गए? वो तड़पी आई निकली. हाय भगवान, क्यों बात कर ली मैंने एटम से? भाई मैंने बहुत मुश्किल से पकड़ा, मैं छोड़ दूँ. बस बस इनका भी यही चलता रहेगा आधा घंटा. इसको देखियो एटम. और नहीं, इसको देखो झाड़ती ऐसे जो शेर की बच्ची हो. मिस्टा
अब देखो, अब शांति दे। हम लोग आ गए थोड़ा सा रेस्ट करके यहाँ पे। कम्मू भी सेटल हो गया, मैं भी सेटल हो गई हूँ। और एटम, उसने वो वाली लुक दी कि भाई मेरे को मत लेके जाना, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं मस्त सो रहा हूँ, नींद में हूँ और मुझे सोने दो। लड़की का आपको पता है कि वो थोड़ी एंग्शियस हो जाती है हमारे बिना, तो उसे हम साथ में ले आए। और उसको थोड़ी सी वो जो एलर्जी की एक प्रॉब्लम है वो भी, उसको हल्की सी एलर्जी भी हो गई है, तो उसको दवाई भी दी है अभी हमने उसकी एलर्जी की, तो वो भी चल रहा है, तो उसको हम साथ में लेके आ गए। एकदम इतनी शांति है, इतनी शांति है, आपको बीच बीच में पक्षियों की आवाज आ रही है, हवा चलने की। अगर नहीं भी आई तो मैं पीछे से बैकग्राउंड स्कोर में डाल दूंगी थोड़ी। पर यार इसकी टक्कर नहीं है यार। कम्मू को ज्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि कम्मू अब आजकल अंधेरी में भी बहुत रहने लग गया, विच इज लाइक अ लॉट ऑफ हसल बसल, बहुत ज्यादा आवाजें और बहुत ज्यादा ट्रैफिक और ये सब। तो थाने स्टिल बेटर, बट ये उससे भी और आगे है। और उससे सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि कोई है भी नहीं यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा शांति है यहाँ पे। यार ये मैंने देखा है, नोटिस किया है कम्मू अपन ने, ये जमीन पे इस तरीके से घास पे मट्टी पे एंजॉय करती है। इसको घास बहुत पसंद है, मट्टी मट्टी में कहीं पे भी आ जाए तो कैसे एकदम से डुलने लग जाती है। और कैसे मैं जब सुबह बालकनी में बैठता हूं, मेरे पास आके बैठती है बकायदा। करेक्ट है, शी लव्स इट, जस्ट लुक आउटसाइड। और इसको तो अभी बिना ग्रिल के ये व्यू दिख रहा है, इतना अच्छा। और कितनी सेटल है, जबकि उसको एलर्जी भी हो रखी है, फिर भी वो सेटल है कम्मू। कम्मू देखने गया था कि एटम ठीक ठाक बैठा है कि नहीं बैठा। दिमाग तो कह रहा है कि मम्मी पापा के पास जाना है, लेकिन इसकी बॉडी कह रही है नो, वी आर नॉट मूविंग। ठीक है, तो मैं अब जब देखने गया तो भाई साहब तकिए के ऊपर बैठा हुआ था, तकिए के ऊपर और बाहर ऐसे देख रहा था, गुस्से में बैठ के देख रहा है। पर वो आई थिंक सेटल हो जाएगा, मुझे लग रहा है। कम्बू धीरे धीरे गया था बेसिकली इसलिए कि अगर सो गया है तो उसकी जाग ना खुल जाए। और जैसे ही कम्बू ने झांका अंदर, वो बड़े बड़ी आंखें खोल के बाहर ही देख रहा था कि मुझे छोड़ दिया है क्या उसे। नहीं यार, इसको ही wants to rest, I'm telling you. आप तो देख लो, आधे घंटे बाद जाएंगे ना सो जाएगा। आधे घंटे बाद तो कोई भी बेचारा सो जाए वेट करते करते माँ बाप की। हाँ, मतलब परेशान नहीं होगा, जैसे मिष्टी दरवाजे पे मारने लग जाती है ना वैसे। हाँ, नहीं करेगा। मिष्टी की एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई है इन 10 मिनट्स, ऑलमोस्ट फाइन नाउ, 99% शी इज फाइन। हम लोगों की कोशिश थी यार इसको ना मिष्टी और एटम को बिना लीश के छोड़ दे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी पे दो डॉग्स हैं, एक्चुअली 2 से 3 डॉग्स हैं, और उसमें से एक डॉग है, एक बिच है बेसिकली, शी इज वेरी एग्रेसिव। हाँ, 3 बार भड़क चुकी है इन पे, तो इसलिए फिर हमने कहा यार फालतू में कुछ वो ना हो जाए, इसलिए उसको बांध के रखा हुआ हमने। अब खाएंगे हम पकौड़े भजिया। एक आ गए हमारे फ्रेंच फ्राइज, ऐसे लग रहा है फ्रेंच फ्राइज में हल्दी डली हुई है, इतने पीले हैं। चाय एंजॉय कर रहे हैं और हम साथ में देख रहे हैं सनसेट। अटू भी आ गया, अटू आजा जल्दी आजा, आजा 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 आजा। 6 years since मेमोरी अपने आप उठाइए। वाओ, ये हमारा मेहंदी का दिन, मेहंदी, अरे वाह, अ स्पेशल डे 6 years अगो। अपने आप दिखाइए फोन में। वाओ, ये हमारी फेवरेट फोटो थी ना बहुत टाइम के लिए। मैं बताता हूँ मेरी फेवरेट, तो ये है मेरी फेवरेट। हाँ, और तुम्हारी एक साइन करते की भी आई थिंक, और हाथ वाली चुंडू, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वाओ, ये थी हाँ, हम दोनों की फेवरेट थी ये तो। कोको शिट, हमने तो कुछ पोस्ट भी नहीं किया इंस्टाग्राम पे, लोगों को लगेगा हमारी प्रॉब्लम चल रही है कोई। करवा चौथ पे भी नहीं डाला, दिवाली पे भी नहीं डाला। सो ब्यूटीफुल, So looking like a wow. तुम्हारी आंखों में इतना खून उतरा हुआ है। 4 घंटे गाड़ी में पीछे 2 जानवरों के साथ, 2 बार अपने ऊपर उल्टी सही है। मिष्टी ने उल्टी करी। इंसान की आंखें लाल नहीं होती तो क्या लाल होगा। क्या लाल होगा। बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है कुत्ता समुदाय पर। बहुत बड़ी विपदा, बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है। सुनो सुनो, मीटिंग चल रही है। चल रही है बाहर भी, 3-4 कुत्ते हैं आधे, और ये 2 कुत्ते। गुड मॉर्निंग। मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं, और भी लंबे कर रहा हूँ अभी फिलहाल में, बट जस्ट लुक एट दिस। इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मजा आ रहा है। मुझे बड़ा शौक है घास जब होती है ना, मैं नंगे पैर चलना पसंद करता हूँ। ये देखिए सुबह कुछ ऐसी दिख रही है यहाँ पे, शांत, बीच बीच में पक्षियों की आवाज। ज्योति भी उठ चुकी है, मैं जा रहा हूँ ब्लैक कॉफी बोलने के लिए और चाय बोलने के लिए। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग। आप कहाँ से आए? आप मिष्टी आइटम को जानते हो? आप तो भौंक भी रहे थे उन पे, उनको डरा भी रहे थे आप। क्या है तो आप मिष्टी की तरह, बिल्कुल मुझे पता है आपकी हरकतें। चाय बोल दिए मैंने, कॉफ़ी बोल दिए मैंने, 5 मिनट में आ जाएगी, और उसके बाद हम यहाँ इधर कहीं बैठ के इस व्यू के साथ चाय और कॉफ़ी अपनी इंजॉय करेंगे। तब तक चाय कॉफ़ी आ रही है, मैं थोड़ा सा अपना रियाज कर लेता हूँ, फिर ज्योति के साथ मैं रियाज शायद इतना नहीं करूँगा, हम बैठ के बस बातें करेंगे।
गुड मॉर्निंग मम्मा, उठ गया सी? गुड मॉर्निंग बिस्टू, गुड मॉर्निंग एटम। ओ जी गुड मॉर्निंग होगी जी मिस्टा। बच इतनी दूर तो नहीं थी, तेरे साथ ही सो रही थी बगल में मैं। गुड मॉर्निंग हो गई, गुड मॉर्निंग हो गई मम्मा की भी। गुड मॉर्निंग मम्मा, हाउ इज इट? क्या हो गया? सुबह सुबह चाट दिया गलत इंसान ने। हैप्पी दिवाली कोको। हैप्पी दिवाली बेटा। हो, हवा देख रहे हो कितनी तेज चल रही है, मजा आ गया। नींद भी बहुत अच्छी आई और मैं तो अब उठी हूँ, कम थोड़ा जल्दी उठ गया था। एटम को हमने खोल दिया है लेकिन मिष्टी को नहीं खोल रहे। मिष्टी क्या है ना, यहाँ पे डॉग्स है ना, ये लड़ पड़ेगी। आए मेरा बच्चू, आए मेरा बच्चू, आयुष मेरा बाबा, आयुष मेरा बाबा। देख रहे हो आप, देख रहे हो, देख रहे हो कैसी मोहब्बत चल रही है उधर। देख रहे हो आप, देख रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो आप, लड़की गोदी में बैठी है आराम से। देख रहे हो इसको, देख शैतान से। क्या हुआ जी? आपको पता है दिक्कत बुरी आयो। एटम गया है बात ना, एटम हम थोड़ी आए हैं हॉलीडे पे, इन्हें लेके आए हैं हम, इनकी आओ भगत करने लेके आए हैं हम। इसको देख लो भाई को, और इसको देख लो, इसकी तो मसाज चल रही है अभी तो। कमल ने पूछा ज्योति हम तेल लेके आए क्या नारियल का साथ में, तो मैं लगा दूँ इसको। हमारी एनिवर्सरी थी, लगाना तो मुझे लगाओ मस्ती कर रही मस्ती। बहुत दिनों से पोहा नहीं खाया था तो आज फाइनली पोहा मंगा लिया। एटम नो, एटम हो रही है तैयारी कमलजीत राणा की। गाइज अगर आपको लग रहा है, जो मुझे भी लग रहा था, मैं हॉलीडे पे आई हूँ और कमल मुझे लेके आया है। क्या हुआ मेरे, आप हालत देख लो, तू कितनी हॉट मैं... लग रही है नहीं क्योंकि इस फ्रेम में मुझे बताने दो। कमलजीत राणा, हम यहाँ पे किसी हॉलीडे के लिए आए हैं, ये कमल ने जगह बुक करी थी आई एम श्योर, सिर्फ इसलिए ताकि उसका फोटोशूट हो सके। लास्ट 2-2.5 घंटे से मैं कमल का सिर्फ फोटोशूट कर रही हूँ और अब कमल यहाँ पे सिर्फ चेंज करने के लिए आया है। पहले मैं ब्लॉग नहीं कर सकी, मुझे लगा कि कमू बस अभी थोड़ी देर के लिए मेरे से कुछ फोटोज कराएगा, बोलो मुझे 5-6 फोटोज चाहिए। तो मैंने जब खूब सारी 15-16 इसकी खींच दी फोटोज और वीडियोस बना दी, तो मुझे पता चला कि ये तो एक ही आउटफिट में हुई है, 5-6 फोटोज और रील्स, यानी 5-6 अलग अलग आउटफिट्स में। 11:30 हो चुके हैं, सुबह 8 बजे से आई थिंक कम्मू की फोटोज और रील्स है वो कर रही हूँ, और मैं जिसमें सोई थी मैं उसी में हूँ, और लुक एट मी, मेरा टैनिंग हो गया कितना ज्यादा। चलो हो गया नाटक तुम्हारा, चलो पहनो अब, अगला चेंज करो सर। मैं नहीं कर रहा, कंप्लीट तो करूँ ना पूरा, आधा दूरा छोड़ी छोड़ सकता हूँ काम को, तेरी सी सीखा। अच्छा पेड़ है यहाँ पे? वाह, अरे वाह, देखा, वेरी नाइस। ये खट्टी थी, जो काली वाली है ना, हाँ वो मीठी है बहुत। क्या कर रहे हैं? ओए मिस्टर बाबा कहाँ से देख रहा है? चप्पलें तो पहन ले यार। वो बजा नेचर में आए हो आप, ये ले। मैं जब छोटा था और जिस पुलिस कॉलोनी में हम लोग रहते थे उसके बगल में ये अलावा तो 4 मंजिली बड़ा पेड़ था, 4 मंजिली शहतूत का और 4 मंजिली पेड़ था बेरों का। तो बेर और शहतूत कभी भी हमने खरीद के नहीं खाए दोस्तों। और मैंने अमरूद, हाँ। बचपन में हमारे यहाँ पे घर में अमरूद का पेड़ था। थैंक यू बेबी, वेरी बैड कोको। छोना बाबा है तो मेरा, छोना बाबा है ओए मेरा बाबा। ये सबसे बढ़िया है, ये तेज है एकदम, कह रहा मैं अपना रेस्ट करूंगा भाई। छोना बाबा है ये तो, क्या है? अच्छा ये क्या, ये क्या? रुक जा तू, बड़ी खुश होती है ऐसे, बड़ी खुश होती है। ओह चलो 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 चलो, आ जाओ नहीं नहीं करेंगे इसमें, नहीं नहीं करेंगे इसमें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ
आ जाओ पप्पू के पास। आहा पप्पू को बताओ क्या हुआ आपके साथ अभी। हाय पप्पू को बताओ क्या हुआ था। पप्पू को बताओ क्या हुआ था। तो पप्पू मेरी नाई नाई हो गई। हाँ मेरी भी हुई है सारी। ये देखो गीली होके आई हूँ। बेस्ट बात शांति है ना इतनी यार। बहुत। और एक्चुअली ना हम बहुत जो मुझे ऐसे लगता है कि जो छोटी छोटी खुशियां भी होती है ना हम उन्हें बहुत एक्नॉलेज करते हैं लाइफ में। इसलिए हमें और अच्छा लगता है। गंदी बात मत करो। चलो जाओ उधर से जाओ। चलो जाओ पास में भी बैठना है और इसे गुर्राना भी है। गंदी बात नहीं करनी है। मैं मिस्टी और एटम को बुला लूंगी बाहर से। मैं बता रही हूँ बहुत खूंखार कुत्ते हैं हमारे। एटम से बच के रहना। एटम तो एक बार तुम पे भौंक दिया तुम्हें पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। एक दिन मैं बहुत बहुत ज्यादा तंग कर रही एटम को। एटम को इतना गुस्सा आया अल्टीमेटली। पहले उसने मुझे बहुत सारी वार्निंग्स दी कि मत कर मत कर। फाइनली ही बिट मी। एंड यू नो व्हाट हैपेंड व्हेन ही बिट मी। मुझे सिर्फ उसका थूक लगा और कुछ नहीं। बेचारे का दांत तो लग ही नहीं सका मुझे। अरे यार मुझे इतना तरस आया उस पे। ज्योति जी कंप्लीट रेडी होते एंड लुक एट योरसेल्फ लेट मी लुक एट माईसेल्फ। हम हो भी रेडी। कमो अपने कोई कपड़े नहीं लेके आया यार। मेरे दिमाग में नहीं आया यार पता तुझे। तुम्हें याद नहीं था एक दिन हमारी एनिवर्सरी अगले दिन दिवाली है। मैं नहीं ये याद था मुझे। ये तो याद था मुझे कि एक दिन दिवाली और अगले दिन एनिवर्सरी। नहीं एक दिन एनिवर्सरी फिर अगले दिन दिवाली। बट मेरे दिमाग में पैकिंग करते हुए नहीं आया। बाय द वे ये साड़ी भारी की ही है जो मैंने पहनी। वाओ दिस सांबलपुरी बहुत अच्छी लग रही। मैं तुम्हारी कोई साड़ी लपेट लूं कुर्ता स्टाइल में। नहीं आई डोंट हैव एन एक्स्ट्रा साड़ी टू स्पेयर। छोनी नोनी 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 भाभी मेरा बाबा। ये बहुत वॉश आउट कर रही है मेरी स्किन के साथ। मतलब नहीं पता चल ही नहीं रहा है वो वाला फील। कैमरे पे नहीं पता लगेगा। पता लगना चाहिए ना बिंदी। कैमरे पे नहीं पता लग रही। गाइस मैं तैयार हो रही थी बाकी सारी स्टोरी बाद में बताती हूँ। बट मैंने गलती से हेयर रिमूवर डाल लिया अपने बालों में। मजाक कर रही हूँ। हेयर रिमूवर नहीं है हेयर ड्राई शैम्पू था ये जो मुझे लगा मैं वो मार रही हूँ कुछ और। मतलब मेरे हिसाब से वो हेयर शाइन था। You know, I got fucking... मैंने कम्मू को जब आवाज मारी थी ना कि कम्मू मैंने गलती से ऐसे ऐसे ये डाल लिया तो कम्मू का मुंह देखने लगा था अच्छा ही लेके जाओ। भाई मेरी वाली टकली हो जाती यार मैं सही में डर गया। उतर जाएगा। You scared me यार कोको। तू ऐसे मजाक। I told this lie कोको so that you get scared। पकड़ो। He just plays with my heart all the time guys। हो गया मेरा फोटो शूट। अब हम बच्चों को बाहर ले आए। एटम नो सुसु की जगह नहीं है ये। ओह माय गॉड मेरा बच्चा। ओह शिट मेरा बच्चा पूल में गिर गया था गलती से। ओह शिट मेरे बच्चे की तो नाई नाई हो गई। खुद से ही नाई नाई कर ली मेरे बाबू ने। ये देखे काश मैं उस वक्त कैमरा ऑन होता। ये ना यहाँ पे थी कमल उसे बोल रहा था उधर आ जा और इसे लग रहा था बांध देंगे तो ये उधर नहीं आ रही थी अपने आप को इधर खींच रही थी तो पीछे गिर गई। भाई इसको तो बहुत बड़ा शौक मिला है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज कम्मू लेट उठा है मैं बहुत जल्दी की उठी हुई हूँ। I woke up at 5:30। हाँ but then I was like अब इतने बजे उठाऊंगा हाँ तो फिर क्या सही चलेगा। अच्छा फिर मैं दोबारा सोने की कोशिश करी फिर तेरी आँख खुल गई थी। हाँ फिर उसके बाद जो हुआ क्या हुआ उसके बाद तूने मुझे सोने नहीं दिया। मैं उड़ गई तो कैसे सोने दूं मैं वो भी हॉलीडे पे। घर पे सोने देती हूँ पहले उठ जाती हूँ तो। मिस्टू कल याद है यहाँ पे इस जगह पे क्या हुआ था। याद है यहाँ पे पहचान गई पहचान गई। मिस्टर यहाँ पे क्या हुआ था। आजा मिस्टर मिस्टर आजा। अच्छा 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 ऐसे ही मौसम में कोको जब मैं बाइक ट्रिप मारी थी ना सुबह सुबह ठंड के मौसम में निकला था तो उदयपुर से जयपुर की तरफ जाओगे तो पहाड़ से कटे हुए रास्ते पहाड़ के बीचों बीच और ऐसा ही मौसम ठंड होती थी और बाइक पे ऐसे ठंड लगती थी टिकी 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 और फिर जब सूरज ऊपर आता था ना हल्का हल्का तब गर्माहट सी फील होती थी तो ये बिल्कुल वही सेम फील दे रहा है ठंड के मामले में। भाई एसी नहीं चलाया हमने रात भर इतना प्यारा मौसम हो रखा है इस वक्त। जब तुम सो गए थे तब मैंने चला दिया था। ओए पप्पू ने अट्टू को खोल दिया। मिस्टर को भी खोल दे। अच्छा बेटा थोड़ी तेज भागती है ना मैं एटम को पकड़ सकता हूँ खुद। या फिर लीश के साथ छोड़ दो इसे लीश पकड़ पाएंगे आराम से। क्या खूबसूरत मौसम हो रखा है। अट्टू सिट ही चूजेस टू इग्नोर अस। आई सुंदर 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 ये लड़का इतना जिद्दी हो जाता है कई बार। टेबल पे भाई साहब को बैठना है सारा सामान इधर आ गया। अट्टू व्हाट इज दिस बिहेवियर इधर देखो। हाँ क्या है ये टेबल बैठने की जगह होती है कोई। चलो आ जाओ हम घुमा रहे जा रहे हैं बच्चों को प्रॉपर्टी।
चलो बेटा इधर चल सेंटर में, तू भी आ गया, चलो 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 भाई अब थोड़ी देर रैकेट खेलेंगे हम लोग। आर यू रेडी टू लूज? क्या बोला मैंने? रैकेट खेलेंगे। तो रैकेट ही तो होता है बैडमिंटन में, रैकेट क्यों नहीं होता? रैकेट तो इसका नाम है ना, रखो इस पे। तो इसी से तो खेलेंगे हम, जैसे तुम मेरे दिल से खेलते हो और दिमाग से खेलते हो। धीरे धीरे मुझे पागल बनाते जा रहे हो तुम। यू टर्न ले ले और वहाँ चलिए जल्दी से। फाइनल वॉक कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। अटू मिष्टी चलेंगे घर। ओके गाइस इट्स टाइम टू लीव। कमो ये हमारा है, ये कहाँ से उड़ा? अरे ये मैंने Something in my brain causes stress. So come and make me.